आखिर यूट्यूबर मनीष कश्यप को बिहार क्यों नहीं ला पाई चेन्नई पुलिस? आखिर मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में मनीष कश्यप चेन्नई के मदुरई जेल में बंद हैं। बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आदेश के बावजूद मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट में उपस्थित होकर न्यायाधीश से कुछ दिनों का समय मांगा है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के बिहार आने की उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। मनीष तमिलनाडु की सेंट्रल जेल मदुरई में करीब 4 महीने से बंद है। सोमवार को बेतिया न्यायालय से पेशी के आदेश के बावजूद तमिलनाडु की चेन्नई पुलिस यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर बिहार नहीं पहुंची। आपको बता दें, तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में मनीष कश्यप चेन्नई के मदुरई जेल में बंद है। बेतिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आदेश के बावजूद मनीष कश्यप को पेश नहीं किया गया, आखिर क्यों? इसे लेकर सरकारी अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से मदुरई पुलिस के खिलाफ अवमानना का मामला बनाने का अनुरोध भी किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को 2 मामलों में बेतिया कोर्ट में पेश किया जाना था। इनमें पहला बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह के साथ मारपीट करने व रंगदारी मांगने के मामले और दूसरा मझोलिया के पारस पकड़ी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ दुर्व्यवहार करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला शामिल था। इन दोनों मामलों में न्यायालय की ओर से मनीष को पेशी कराने के लिए चेन्नई पुलिस और मदुरई सेंट्रल कारा को निर्देशित किया गया था, लेकिन चेन्नई पुलिस मनीष कश्यप को नहीं लाई। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट में उपस्थित होकर न्यायाधीश से कुछ दिनों का भी समय मांगा है। न्यायालय ने मदुरई पुलिस को आखिरी समय देते हुए निर्देशित किया है कि इस बार हर हाल में मनीष की पेशी करवाई जाए। कहने का मतलब, चेन्नई पुलिस को ऑर्डर दिया गया है कि इस बार हर हालत में मनीष की पेशी करवाई जाए। तमिलनाडु से आए पुलिस अधिकारी आर भारत और शरद ने बताया है कि न्यायालय से कुछ दिन का समय मांगा गया है, अगली बार उसे पेशी के लिए बिहार जरूर। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।